भगवान श्री कृष्ण के नाम से जब लस्ट किसी व्यक्ति खत्म हो जाती है तो वो व्यक्ति कितना प्योर होगा, ये तुम्हारी कल्पना के पर है। तो इसे को सोचे भाई कृष्णा इज हैविंग गर्लफ्रेंड्स, उनकी तो बड़ी गोपियां हैं, बड़ा लस्टी व्यक्ति होगा वो, पर उसके तो नाम में लस्ट मिटाने की शक्ति है, ये तो पहली बात ही आती है। दूसरी बात, अगर ये कोई साधारण लड़का लड़की वाली बातें होती तो क्या इनकी बातें शास्त्रों में आती? शास्त्रों में तो भाई दिव्य बातें होंगी ना, अगर बंटी बबली वाली बातें लिखनी है तो औरों की भी लिख दे फिर। पर ये कृष्ण और ये गोपियों की बात आती है और देखिए और किसी की नहीं आती, दैट मीन्स ये ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर है। डिस्कस करने वाले कौन? परमहंस श्री सुखदेव गोस्वामी, परमहंस श्री चैतन्य महाप्रभु, हु इज गॉड हिमसेल्फ एज वेल एज कमिंग एज अ डिवोटी, वो भी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर ये लफंटर वाली बातें होती तो साधु लोग बोलते देखिए अश्लील बातें ना करिए, पर साधु संत महात्मा जो परमहंस लोग हैं वो इसके बारे में कथाएं करते हैं, बल्कि इसमें रमण करते हैं, इसमें कॉमेंट्रीज लिखते हैं। इस पे ऑलरेडी देर आर 31 कॉमेंट्रीज ऑन रासलीला।